अभी के कुत्ते के टट्टी ने मेरा जान बचाया। अगर इसे नगर पालिका वालों ने साफ कर दिया रहता तो मैं साफ हो जाता। तो पहले से यही लाओ भाई, मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। पहले उसको दो थप्पड़ दूंगा, फिर उसके बाद फोन दूंगा उसको। कौन है भाई तू? अरे मैं रोहित, उसका पड़ोसी। अच्छा पड़ोसी, उसका नाम क्या है? उसका नाम आस्था, आस्था है नाम उसका। तो बेटा तेरा एक्टिंग बहुत सस्ता है। मतलब तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखने में ही 420 लग रहे हो। रुको अब भी बताता तुमको। अब क्या नया नौटंकी सोच रहा है? नहीं नहीं कुछ सोच नहीं रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ उसका फोन तो तुम्हारे पास है, तो उसको फोन करके बुलाऊँ भी कैसे मैं? अच्छा एक काम कर, तू अभी फोन लगा और अगर इस पे घंटी बजा ना तो ये फोन तुम्हें दे दूंगा। हाँ हाँ वो कर। मैं क्या बोल रहा था कि इसको बेच देते वरना आधा आधा पैसा बांट लेते। अच्छा आइडिया है ना, चल निकल यहाँ से। ये तो तेरा किडनी निकाल के बेच दूंगा, वो भी किलो के भाव। बगल में मेरे दोस्त का चिकन शॉप है। पुलिस को कंप्लेन करूंगा, बोलूंगा फोन चोरी करके फोन बेचता है ये। साथ में चलूं क्या मैं? आ जाऊं? आऊं मैं, चलूं साथ में? चल। आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे एक कॉल करना है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। यार फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है, पक्का किसी चोर के हाथ लगा होगा। भैया इसमें मैंने नंबर डायल किया हुआ है, अगर आपको कोई भी अपडेट आए तो आप प्लीज मुझे कॉल कर दो। आपके पास आपका फोन ही नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे? यार मैं ही पागल हो रही हूँ, मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है। आपका फोन मिल सकता है क्या? कॉल करना था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. Thank you. ऐसे मरे हुए थैंक यू बोलने से अच्छा है कि मत ही बोलो। सॉरी मैं कुछ और ही प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे से जमा कर दीजिए। होश आया उनको? अगर ये नहीं करोगे तो होश कभी नहीं आ पाएगा। कैश रहेगा तो काउंटर पे जमा कर दीजिए, ऑनलाइन रहेगा तो ये नंबर पे ऑनलाइन करके उनको रिसीव भेज दीजिए। 50,000? मेरे पास तो 3,000 है।
पैसे ट्रांसफर करके मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है, देख लीजिए। ठीक है। हेलो हेलो चोर भैया, आप प्लीज़ मेरा फ़ोन लौटा दो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से मुझे ये फ़ोन दिलाया है। वो खुद बटन का फ़ोन यूज़ करते हैं और उन्होंने मुझे ये फ़ोन दिलाया। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे देती हूँ, बट आप प्लीज़ ये फ़ोन बेचना नहीं। हेलो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। सॉरी, आपको चोर बोला आपको बुरा लगा होगा, पर आप चोर थोड़ी है, ये तो आपका प्रोफेशन है। पर आप ये फोन किसी को मत बेचिएगा, आपको तो उसके इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे जितने का ये फोन है। अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपका फोन आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। आपका ही फोन खोया था? हाँ, और मैंने आप ही से फोन लेके अपने फोन पे कॉल किया था जो अभी आपके पास है। हाँ याद है मुझे, ये तो गजब हो गया। तो मेरा फोन ये रही आपकी फोन। थैंक यू, और सॉरी मैंने आपको चोर बोला। वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो मुझे लगा कि कोई चोर के हाथ में लगा है, नहीं तो आजकल इस जमाने में कौन किसका फोन लौटाता है। दूसरे का सामान मेरे लिए मिट्टी का सामान। अच्छा, आपको चक्कर वगैरह तो नहीं आता है ना? नहीं। और हार्ट अटैक वगैरह जैसा कुछ नहीं? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? दरअसल आपके अकाउंट से मैंने 50,000 रुपये निकाले। देखिए घबराइए नहीं, मैं जल्दी लौटा दूंगा उसको। इससे अच्छा तो मेरा फोन ही खोया था। वही मैं सोचूं आजकल किसी का खोया हुआ फोन कौन ही लौटाता है। देखिए सिचुएशन ही ऐसा बन गया था कि मुझे पैसे निकालने पड़े। मैंने आपके पैसे निकाल के कोई पार्टी वगैरह नहीं किया है। ये मेरे पैसे नहीं थे, मेरे पापा के पैसे थे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे तो मुझसे बात करा दीजिए ना, मैं जवाब दे दूंगा उनको और पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा। हेलो पापा, आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं आपको कब से कॉल लगा रही थी, मेरा एक्चुअली फ़ोन खोया था, अभी अभी मिला है। क्या आप ठीक तो है ना? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ सुनिए, आप मेरे साथ घर पे चलिए। पापा ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया पापा? आपने मुझे बताया भी नहीं, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? बेटा कोई बात नहीं, मामूली सी चोट लगी है। अरे आओ बेटा बैठो। क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो मेरा फोन खो गया था ना, वो इन्हीं के पास था। गजब की बात है बेटा, अगर ये मुझे टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। बेटा मैं तुम्हारा एहसान तो नहीं चुका सकता हूँ, हाँ लेकिन पैसा जरूर चुकाऊंगा। एक काम करो बेटा, इनके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर कर दो। पैसे पहुंच गए हैं। पहुंच गए? कमाल है। जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो जाए तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कुछ अच्छा होने के लिए हुआ हो।
और कभी आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा। जय हिंद, बाय।